ये है मेरा भाई अजीत और पापा यहाँ पर टेंट लगाते हुए। ये एक मिला जुला एफर्ट है आज रात टेंट लगाने के लिए। वैसे बड़ा दिमाग लगाया इसने टेंट वाले ने जो बनाया साले ने, है ना। कोई खूटा नहीं, कोई लेना नहीं, इनका क्या काम है। ये तो तब है अगर लगे ना हवा चलेगी और उड़ जाएगा टेंट सब बंद। मच्छर नहीं घुसेंगे? बंद रखना बस, खोलना मत, खुला रहेगा तो घुस जाएंगे। तो तभी तो मजा, बॉन फायर का काम तभी तो मजा आता है। क्या कर रहे हैं? आग जलाते हैं, लकड़ियां इकट्ठी कर लेता हूँ मैं। जाओ। ये देखिए हमारे पापा जी को पूरा पेड़ इन्होंने एक ही हाथ से तोड़ डाला और हमें इस तरह से मिली बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी एक साथ रात भर जलाने के लिए। कुछ भी कहिए, एक्सपीरियंस होल्डर की बात ही अलग है। ये है सूखी लकड़ी, इन सबको उठाकर ले जाया जा सकता है। इतनी तेज नहीं जलानी, हल्की आंच। पापा टेंट जल जाएगा हल्की आंच, हल्का हल्का, बहुत हल्की, छोटी छोटी सी आग। अच्छा ये अभी नहीं रखेंगे, इनको छोटा छोटा करके डालना है। गाँव में जंगल से गैया चुग के वापस आ रही होती हैं, उनके पैरों से जो धूल उड़ती है उसको बोलते हैं गोधूली समय। सादे फिर बस इतनी इतनी चलेगी, थोड़ी थोड़ी जितनी दिख रही है ना, हल्का ही रखेंगे उसको एक तरफ। नहीं होगा, हम अंदर बैठेंगे बाहर निकलेंगे नहीं। मैं तो कम से कम 6 बार ही निकलता हूँ रात को बाथरूम करने। साथ में किसी को लेकर निकलना, या तो मुझे आवाज़ लगा देना या अजीत को लगाना। वो क्यों? अकेले नहीं निकलना, बाथरूम करना है। हाँ तो अकेले नहीं निकलना, इतनी सी बात है। नहीं तो दो क्या कर लेंगे उसका, अगर कोई आएगा जंगली जानवर। हाँ दो, फिर भी दो होता है। शेर कांट कम इनसाइड ना, मतलब ही डोंट नो कि हम अंदर आए, अगर उसे पता भी चल जाए कि कांट कम इनसाइड। ना ना, कैन नॉट, बट वो पार सकता है टेंट को। हाँ पर क्यों आएगा अंदर? ऑब्वियसली जैसे हमें फियर ऑफ अननोन बाहर होता है, उसको फियर ऑफ अननोन इनसाइड होता है। ईटिंग डिनर, ही विल कम इनसाइड ईटिंग डिनर। There is its inside that deer is. ये नज़दीक से आ रही है आवाज़, ऐसा कुछ होता ना, इधर आ भी जाता है। नहीं ऐसे नहीं आता है, वो हमेशा छिपे रहते हैं, सामने कभी नहीं आते।
यहाँ भी नहीं आते, पेड़े पे रहते हैं, पेड़ों पे चढ़ के दूर से ही देख लेते हैं वो कहाँ है शिकार। नजर बहुत तेज होती है और रात में शिकार करते हैं। ले भाई अपना पंखा खा, मैं तो दूसरा खाना छुट्टी कर खाता हूँ। मैं तो दवाई दिया आधा घंटा तो कुछ खाने नहीं पूछ रहा। फिर रात को इनको ऐसे देता है जैसे दिन है, आओ पार्टी करें। ये हम हैं, ये आग जल रही है और ये हम पार्टी कर रहे हैं। अच्छा आप सपोज करो वहाँ से एक तेंदुआ आ रहा हो, हम उसे देखेंगे वो हमें देखेगा क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? तीन लोग उसके फटाफट टेंट के अंदर, इससे पहले वो आए हम घुसे, रेस लग रही होगी फिर कौन जाएगा पहले अंदर। इंटरेस्टिंग, क्वाइट इंटरेस्टिंग। अभी नाउ आई एम एंजॉयिंग ना, मोबाइल वोबल की दुनिया से दूर, शांति में कुछ नहीं मोबाइल वोबल बाहर में क्या नहीं, वो उसको पता नहीं, वो मतलब कंफ्यूज हो जाएगा ना, वो क्या करूँगा उसको पता ही नहीं चलेगा हम गए कहाँ पहली बार। हाँ वो देखते रहे इधर आके कहाँ गए कहाँ, उसमें इतनी अकल थोड़ी होती है भाई, टेंट लगा हुआ है इसके अंदर घुस गए वो पुराना ठिकाना, इतना थोड़ी ना अकल है उनमें, उनको क्या पता टेंट क्या होता है। सही बोल रहे हो, ऊपर ऊपर का थोड़ा सिस्टम सा थोड़ा इधर को कर दे और दिमाग इसके ऊपर रख देता हो जाएगी ठीक ठाक। नहीं वो हल्की हल्की पकने देता इसलिए नहीं किया, पानी हल्की हल्की पकेगी इसके भी, ये जो जलता हुआ सिस्टम है ना इसको थोड़ा सा इधर कर दे, पीछे जो लकड़ियाँ सी बचेंगी उस पर रख दे इसको। कॉफ़ी पिएगा जो तू अकेला क्यों बैठा है इधर राजा? कम्फर्टेबल है। अच्छा नज़ारा देखो कैसा दिख रहा है, आग की लाल रोशनी, आपकी लाल टी शर्ट, चश्मा चमक रहा है, पीछे टेंट और पीछे वो आसमान नीला, और ये जो पहाड़ है ना इनकी शेडो दिख रही है सिर्फ परछाई। ऐसे शांति तो अच्छी है यहाँ, हवा भी अच्छी लग रही है हल्की हल्की। अभी तक तो मच्छर कोई नहीं आया, टेंट में घुसेगा, बंद किया हुआ ना जिप पूरा। आओ बैठो, अच्छा इधर बैठो, थोड़ा देना आपका दे दो, अमित दियो दो ना आप एक हाथ से, यहाँ से गया जाते समय छोले नहीं लेके जा रहा, याद नहीं रहा ना, फिर बैठ गए तो याद आया छोले भी लेने थे। जवानी में ऐसी चीजें होती हैं, जवानी में बुढ़ापे में ये जवानी या दीवानी या जाओ रानी मत जाओ रानी देख जा रहा पीछे बढ़ के आलू क्या आलू। रोटी को रखो इधर, सब्जियां रखो सेंटर में दोनों, नहीं सब्जी अलग अलग खा रहे, रोटी अलग अलग खा रहे, नहीं रोटी एक साथ खा रहे, नहीं खंग मार सकते हो ना एक दूसरे की। चम्मच चम्मच क्या गई तो है बैग में आ दूसरी चम्मच। बता यार अच्छे वाले बैठे हैं पत्थरी मारी यार, एक मिनट में सोने का है तो सवेरे ही देखेंगे। अब इतने जल्दी सो जाओगे और क्या करना होता है, भी तो 8 बजे में घर भी हम मतलब 8:30-9 बजे तक सो जाते हैं, आवाज़ चल रही है ना मच्छर नहीं है, यहाँ मच्छर होके करेंगे क्या, किसका खून पिएंगे, यहाँ तो वैसे ही नहीं होने वाला। अभी वीडियो आई 2-4 मिनट पहले ना, क्या उसमें मोबाइल में व्हाट्सएप पे उसमें उसने क्या किया था, ऑल आउट के नीचे ना शराब की बोतल फटकी हुई थी। अच्छा कह रहा सालो आप काट के दिखाओ, होश में आओगे तभी काटोगे ना। बाहर चल रही बस ये है, अरे कुछ नहीं पड़ रहा है फाइल छोड़िए, हॉस्पिटल दिमाग में खराब है, लाइट बंद करो।
कुछ होगा तो बता देना, आवाज़ लगा देना। होने से मतलब कि कुछ काम हो, कुछ चाहिए हो तो आवाज़ लगा देना। सो ये है खूबसूरत सी सुबह, एक रात यहाँ कैंपिंग करने के बाद। जगह कौन सी है मैं इस वीडियो में तो डिक्लेयर नहीं करने वाला हूँ। अगर आप पर्सनली जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आप भी मेरे साथ ऐसी जगह आकर के कैंपिंग कर सकते हैं, वो भी ओवरनाइट। मैं अपने अंकल और अपने भाई के साथ यहाँ पर आया था ओवरनाइट कैंपिंग करने के लिए और एक्सपीरियंस तो शानदार रहा, मुझे तो बहुत मज़ा आया। यहाँ पर खूबसूरत जगह है, शांत है, रात को जंगली जानवरों की आवाज़ें आपको डराती ज़रूर है लेकिन उसका भी एक अलग ही मज़ा है। रात भर हम बहुत अच्छे तरीके से तो नहीं सो पाए लेकिन यहाँ होने का जो एहसास था, जो पीस थी माइंड में, वो अलग थी। दिल धड़क जरूर जाता था हर अलग सी आवाज़ के साथ, तो सोए नहीं लेकिन थकान जैसा भी नहीं है। ये एक्सपीरियंस वाकई अच्छा रहा। आप भी अगर हिस्सा बनना चाहते हैं, आप भी मेरे साथ ओवरनाइट इस तरह से जंगल में बुशक्राफ्ट कैंपिंग करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम साथ में चल सकते हैं। सुबह के अभी टाइम हुआ है 6:20, सुबह का नाश्ता यहीं पर करेंगे, आग जलाएंगे अभी जा कर के, वापस पैक करेंगे और वापस निकलेंगे। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, हम तीन लोग यहाँ कल शाम करीब 6 पहुँचे थे, आकर बस हमने टेंट लगाया और आग जलाई, बाहर रात को 9:30 तक बैठ करके गप्पे मारी, डिनर किया और सो गए। रात लंबी मालूम पड़ती है, बहुत बार ऐसा लगता है कि अरे अभी तो 10:30 हैं, अभी तो 11:30 हैं, अभी तो 12 हैं। आप बार बार उठ करके टाइम देखते हैं क्योंकि जंगल की आवाज़ें जो थोड़ा बहुत अननोन सी हैं और अननोन होने की वजह से डराती हैं, शायद 3, 4, 5, या 8, 10 बार कैंपिंग करने के बाद आप इन सब साउंड्स के साथ फेमिलियर हो जाते हैं, इन्हें पहचानने लगते हैं और ये डर चला जाता है। एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं तो एक्सपीरियंस वाकई बहुत अच्छा है, हम तीनों बहुत खुश हैं। एक रात जो हमने यहाँ बिताई है उसके बाद यहाँ बार बार आने का मन करता है, तो अलग अलग जगह पर हम अलग अलग टाइम पर इसी तरह से मिलते रहेंगे, कैंपिंग करते रहेंगे। कमल किशोर राज कह रहा, एक बार ना बरसातों के दिन मैं टोबे पे गया, टोबे पे लैटरिन करने वास्ते, कि उत्थे बैठा सी, बरसात का मौसम सी, टोबा भरिया हुआ सी, डड्डू टर 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 कर लगी, मैं देखा कि उन्हें आवाज है, कहने की एक डड्डू कह रहा मेले जाना, दूसरा कह रहा कर कौन, तीसरा कह रहा मैं तू कह रहा इसको जाने दे मेले में और तू घर रुकेंगे। चौथा कह रहा छोटा सा था, उसके ऊपर इतना बैठा बड़ा बैठा हुआ था, नीचे वाला कह रहा मारे गए, ऊपर वाला कह रहा टिक्या रहो। कांटा हो गया रखे हुए, रोस्टेड नहीं आलू हुए, मैंने रात में दबाया था, मैं क्या आराम से होगा अभी, मेरे को तो काम बहुत है, मैं क्या आराम से होना, अभी वही पर राख पाई जा रहा है, ठंडी राख ही पाई जा रहा अभी, ताकि जले नहीं, आंखें बहुत नज़दीक है बेचारा।
एक तरफ से फ्रीजर वाला चिमटा ले यहां पर जाके भूनते ऊपर रख के, एक तरफ से फ्रीजर वाली ठंडक मिलेगी, एक तरफ से चिमटा ले ऐसे ऊपर रख के भूनते ऐसे लकड़ी देता हूं घुसा दे और फिर भून दे। हां दे दे साइज जो तेरी मुंह वाला पास आए करके तो भून के कैसा हो जाएगा, मतलब ऐसे ब्लैक ब्लैक हो जाएगा भून के? नहीं ब्लैक काई हो जाएगा, वैसे ही सगनी के ऊपर तो धुआं तो आएगा ही। चाय कॉफी कुछ मैगी बना दूं? मैगी खाएगा पहले कॉफी फिर मैगी या पहले मैगी फिर कॉफी? एनीथिंग पहले पहले मैगी बना लेते हैं। या इट्स वाह भाई आलू इज रेडी फॉर ईटिंग। देख मेरा काला आलू तू अपना भी काल कैसे भूल अब तो नहीं भूलूंगा पहले जरूर भून सकता। बना लो सब पेल जाना यार वहाँ बतेरी है मैगी कम है वहाँ बहुत है। दो से ज्यादा खा ही नहीं सकते एक आदमी यहाँ जंगल में। अभी तो तुम कह रहे थे आग बुझा दो तो मैगी का नहीं था प्लान तब हमने मैगी बनानी ही नहीं थी। आज कुछ तूफानी करते हैं छोड़ा क्या सही चीज बन गई है भुरभुरा आलू नीचे वाले मचे है क्या बात है जी मजा आ गया। एक पॉकेट में थिंग नो तो साइड में रख के भी कर सकता है ग्लास को उठ के तीन बार यही आएगा ना भाई। मैगी होगी तैयार अब बना एक लकड़ी का कांटा या फिर और हो जाओ शुरू दो मिनट मैगी। So, this is Maggie. Maggie eating. दिखाओ मैगी बच्चे। संडे को तेल खत्म नहीं होता? अबे संडे को ही लोग निकलते हैं। अच्छा। गर्म है? Very, very. Looks like too much hot. नमक थोड़ा कम है। तुम ही खाओ तो भी। बहुत गर्म लग रहे हैं। नमक थोड़ा कम है। मसाला और लाना था ना दूसरा वाला जो इतना बड़ा आता है मैगी मसाला। हम तो मैगी लाए थे। हाँ तो मैगी मसाला भी लेके आता है इतना बड़ा आता है जो वो मैगी में डलता है। एक सिंपल मसाला पाओ एक ऊपर से बड़ा मसाला पाओ। नहीं वो ठीक हो गया वो बहुत मस्त बनता है। पहली पहली बार फीका लगा हाँ फिर ठीक हो गया। नहीं बट उससे ज़्यादा मज़ा आता है वो पाके मैंने खाई है ना इससे इतना टेस्ट नहीं आता। मसालेदार नहीं बनती है ना राक्षक। कल रात मुझे ऐसी फील आई जैसे ये उनका रास्ता है हम यहाँ पे आ गए। जब वो उसने पहली बार आया ना चले जा रहा है अपने रास्ते पे अचानक दिखाई है बोलता डर गया। वो जो जानवर आया रात को 12:30 बजे वो इस रास्ते से क्रॉस करके आगे जाता है अचानक हम दिख गए उसको और डर के मारे उसके मुँह से निकला खड़ा रहा बड़ी देर तक फिर बोलता कि कौन हो भाई फिर थोड़ी देर इंतजार किया कोई जवाब नहीं आया फिर बोलता कौन हो भाई फिर कोई जवाब नहीं आया। कहते इनका तो पता नहीं पर रिस्क क्यों लेना मैं इस रास्ते से जाता ही नहीं फिर मैं इधर से निकलता हूँ। तो भाई ने वो रास्ता पकड़ा ऊपर वाला और वहाँ आवाज़ निकाली चढ़ के फिर यहाँ आवाज़ निकाली चढ़ के और यहाँ से बोलता फिर यहाँ बोलता जब लगा कि कोई जवाब ही नहीं यहाँ के उसको लगा कि तो रास्ता ही बंद है मैं आगे जाऊँ कैसे फिर वापसी पकड़ी बंदे ने फिर यहाँ पहुँचा और फिर यहाँ खड़ा होकर आवाज़ लगा रही अबे क्यों तंग कर रहे हो सीधा छोटा सा रास्ता था कहाँ भटका रखा है मेरे को परेशान कर दिया तुम लोगों ने ऐ फिर यहाँ के बोलता है अबे कौन हो कौन हो और फिर भागता भागता वो उस पोटे लंबे रास्ते से होके निकला बेचारा और सवेरे 3:30 बजे फिर आया फिर पूछता अबे हो भी अबे यहीं हो गुड इमेजिनेशन अरे यही ट्रैक था उसका आई लाइक इट। शुरू शुरू में हम बड़ा डरते थे टेंट लगा के लेटे हुए ऐसा जैसे कोई पीछे जानवर है और सूंघ रहा हमें और हम ऐसे दर्द खींच के पड़ जाते थे कि भाई सांस नहीं लेना सूंघ लिया तो गए काम से। बाद में समझ आया कि हवा चलती है तो ये टेंट ऐसी आवाज करता है। मैं तो रात में भी तो समझ गया तभी तेरे कह रहा था हवा से था मैं सोचा था कि आप लोग घबराओगे इस आवाज को सुन के रात को मेरे आपा का है आपा उन्हें डरा दिया जड़ा है सन डराण
पता नहीं आप लोग साथ में थे पर क्या था, पर डर नहीं था मुझे रात बिल्कुल, रात में बिल्कुल नहीं डरा। हम है ना जानवर, डर नहीं। जब वो वाला जानवर आया था तब धक से हो जाता था एक बार, तो ये क्या है। ये मेरा फर्स्ट टाइम हुआ था, बाकी नहीं। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा हुआ था यार, ये कौन है साला, ये क्या नई चीज आ गई। हाँ। कभी नहीं सुनी आवाज जिंदगी में, कभी सांप की आवाज भी थी रात। सांप की आवाज कैसी होती है? जैसे बगले की होती है। ये बगले की आवाज कैसी होती है? जैसे ये बोल रहा था, ये बोल रहा था जैसे, उसकी आवाज थोड़ी बारीक होती है। क्या? जैसे ये बोल रहा था, ये वाला। अच्छा भाई खा ले, ठंडी हो जाएगी। हाँ तो लकड़ी तोड़ लेना यार अलग से, अलग से बैठ के खा ले। अबे मेरी फेंक दी वो लकड़ी, उसको दे तो दूसरी लकड़ी से खा। वो भी तोड़, मैं भी तेरी तोड़ू। मजा आ गया, सही था, काश मैं इसको रिकॉर्ड करता। देखो हुआ क्या है, ये लकड़ी से मैं खा रहा था लंबी, पापा ने बोला इसको तोड़ के दो हिस्से कर ले, एक से दो खा ले, तो इसने तोड़ा और जो मैं खा रहा था वो हाथ में रखी और जो दूसरा हिस्सा था उसको फेंक दिया। ये ले। कैसे रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस? मस्त मस्त, ऑसम, बड़ा मजा आया। मस्त पापा, मस्त दो नैनों ने ले लिया चैन। कैसा लगा रात को आपको? रात को डर तो नहीं लग रहा था? नहीं। और एक्सपीरियंस, नींद नहीं आई। फीलिंग कैसी थी? नींद नहीं आई, फीलिंग बहुत बढ़िया थी, हवा बड़ी ताजी थी, सांस श्वास ठीक चल रहे थे, ऑक्सीजन फुल थी, ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक था। और अलग अलग पर नींद पता नहीं क्यों नहीं आई। नींद में एक्चुअली मैं 7-8 बजे 7-8 बजे सो जाऊँ फिर तो मेरी नींद ठीक ठाक हो जाती है। घर में भी मेरा ऐसा सिलसिला हो जाता है, अगर लेट सोता हूँ तो फिर मेरे को नींद आती नहीं, बहुत कम आती है। लेकिन नींद का भी एक्सपीरियंस ऐसा है कि यदि मतलब आँखें बंद करके इंसान पड़ा रहे, मन में कुछ ना हो इधर उधर का, तो सवेरे तरोताज़ा होता है, जैसे मैं इस वक्त तरोताज़ा हूँ। बिल्कुल अजीत, तुम पहली बार रुके ना ओवरनाइट कैंपिंग में? या फर्स्ट टाइम मैं रुका हूँ यहाँ पर ओवरनाइट कैंपिंग में, और एंजॉय लॉट। रात को हमने आग जलाई, ऐसे जानवर आया हमारे पास और हमने बहुत इंजॉय किया है। यहाँ पर हमने आग जलाई थी रात को, टेंट लगाए फिर हमने इंजॉय किया, फिर टेंट में घुस गए, फिर हम फिर रात को निकले भी बाथरूम करने के लिए। मैं पापा के साथ निकला एक बारी अमित निकला, पापा ने बाथरूम कर दिया टेंट में ही, और वो बाथरूम मेरे ऊपर आ गया था और ये मेरी कैपरी गंदी हो गई थी बाथरूम से, बाथरूम लगे। ऐसा कौन दिखाएगा वीडियो में? ऐसा कौन दिखाता है? सुन ले मेरी बात, सच्चाई है, बताओ सच्ची जो लिखी हुई हो ना, सच्ची चीज नहीं दिखा रहा है, सच्ची चीज है, ये सत्य है, सच्ची कहानी जो है ना हिट होती है वो। पर बाथरूम सुसु टेंट में, ये तो मजा है, ये तो मजा है, ऐसे बोर स्टोरी नहीं सुनते लोग की, बोर स्टोरी इसकी, बोर स्टोरी होती है, बोर इसको सुनो, हमें सुनो ये सब मजा आता है। ये क्या बोल रहे हो, कि बात रहता है मैम, क्या सच में आपने बाथरूम कर दिया था? हाँ गुड, सच में मैं यकीन ही नहीं कर रहा था इस बात पे, पापा ऐसा कैसे कर सकता है। वो बस मेरे को बाथरूम था, तूने कहा था अकेले बाहर नहीं निकलना, तो आवाज लगाने को भी अभी तो कहा था, आवाज लगाने का यार क्यों डिस्टर्ब करना, शायद सो रहा हो। मैं आपके उठने के पहले मैं उठ जाता था कि बाहर जाना है, मुझे नहीं ना पता, तो ये पहली बार वाला था, उसके बाद तो देख नहीं, उसके बाद तो फिर मैं आवाज मार दी थी। ओके चलिए, अच्छा एक्सपीरियंस था। हम लोग निकल रहे हैं वापस चंडीगढ़। यस चंडीगढ़, अगली लोकेशन वाया नड्डा साहब। अच्छा हरमिया ना हो तो बंदा कंट्रोल भी कर ले।